नमस्कार, इम्पीरियल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हिंदी लिखते वक्त अक्सर आप बहुत सारी गलतियां करते हो और उन्हीं गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, छोटी की मात्रा वाले की और बड़ी की मात्रा वाले की में अंतर। हमेशा हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि छोटी की मात्रा वाले की को कहाँ पे यूज करना है और बड़ी की मात्रा वाले की को कहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे छोटी की मात्रा वाला की। छोटी की मात्रा वाले की का प्रयोग वाक्य और उपवाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण से समझे, उसने कहा था कि मैं कल आऊंगा। उसने कहा था ये एक अलग वाक्य है, मैं कल आऊंगा ये एक अन्य वाक्य है। तो इनको जोड़ा किसने, छोटी की मात्रा वाले की ने। अगली उदाहरण देखें, वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। वह घर से निकला ही था ये एक अलग वाक्य है और वर्षा शुरू हो गई यह एक अलग वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ा किससे गया, छोटी की मात्रा वाले की के साथ। ऐसे ही बड़ी की मात्रा वाले की का प्रयोग मैं आपको बता रही हूं। इसका प्रयोग दो प्रकार से होता है। जो पहला है उसके हिसाब से करना क्रिया का भूतकालिक रूप, यानी कि जो काम हमने किया है उसका भूतकालिक रूप जब सामने होता है तो बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमने उससे लड़ाई की, तो लड़ाई कब की, भूतकाल में, तो की जो है बड़ी की मात्रा वाला हो जाएगा। उसने कल पढ़ाई की, पढ़ाई कब की, भूतकाल में, तो यहां भी की क्या है, बड़ी की मात्रा वाला लगेगा। अगला जो रूल है उसके हिसाब से संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। संबंध कारक में संबंध जोड़ा जाता है तो उसके परसर्ग चिन्ह लगते हैं का, की और के। का पुलिंग है, के पुलिंग है, की जो है वो स्त्रीलिंग है। तो जहां संबंध कारक हो और की परसर्ग लगा हो तो वहां भी क्या होगा, बड़ी की मात्रा वाला की होगा। शिवम की किताब खो गई। शिवम और किताब का आपस में संबंध है, इसमें की पर चिन्ह लगा है जो कि बड़ी की मात्रा वाला है। ऐसे ही दीपक की बहन दिल्ली गई है, दीपक और बहन का संबंध है और की पर से इनको जोड़ा गया है तो ये क्या है, बड़ी की मात्रा वाला की। अब हम देखते हैं कि दोनों की का प्रयोग एक साथ ये कैसे होगा। देखें, यह रोहन की किताब है और मुझे मालूम है कि तुम इसे चुराना चाहते हो। यह रोहन की किताब है, रोहन और किताब का संबंध है, बड़ी की मात्रा वाला की आ गया, संबंध कारक आ गया। मुझे मालूम है ये एक वाक्य है, तुम इसे चुराना चाहते हो ये दूसरा वाक्य है, इसको छोटी की मात्रा वाले की के साथ जोड़ा गया। बच्चों, अब आप देखो, आपने सीखा छोटी की मात्रा वाले की और बड़ी की मात्रा वाले की में अंतर। मुझे लगता है कि ये सीखने के बाद आपको की का प्रयोग करना आसानी से आ जाएगा और आप कभी गलती नहीं करोगे।